गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेश पांडे ने किया पत्रकार वार्ता। पत्रकारों से चर्चा के दौरान एक समाचार पत्र पर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक खबर के प्रकाशन का लगाया आरोप। उनका कहना है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। जो खबर प्रकाशित की गई थी उसमें मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि लक्ष्मण बाग मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर मंत्री के पीए द्वारा अतिक्रमण कर गौशाला चलाई जा रही है और मेरे व मेरी पत्नी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने तथा लक्ष्मण बाग मंदिर की जमीनों में अतिक्रमण करने तथा भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाने का आरोप लगाया गया था, जो कि पूरी तरह से गलत है। मेरे विरुद्ध और मेरे मंत्री जी के विरुद्ध लगातार झूठी खबरें प्रकाशित की जा रही थी। उन खबरों से व्यथित होकर के माननीय न्यायालय को शरण में गया और इसी सिलसिले में एक तो ये कारण ये, दूसरा कारण ये कि आप लोगों के बीच, समाज के बीच में समाचार पत्र के द्वारा ये प्रचारित किया गया कि हमारे विरुद्ध हमारे परिवार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जाँच चल रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, नाना प्रकार के कामों को किया जा रहा है। उन सारी बातों को आप सभी लोगों के समक्ष रखने के उद्देश्य ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कारण इनका कारण मैं तो नहीं जानता, मैं तो इनके भी नहीं जानता, लेकिन जो मुझे मोटा मोटा कारण आया कि ये सिगरौली में ये अपने एक विज्ञापन का काम 2 करोड़ रुपए का चाहते थे और वो विज्ञापन का कार्य इनको जब नहीं मिला तो पहले मंत्री जी के खिलाफ लिखना शुरू किए और उसके बाद हमें हमारे बच्चे केवल एक कारण। ये करते भी हर साल करते हैं, चुनाव के 6 महीने यही करते हैं, फिर 4.5 वर्ष बाद मंत्री जी चुनाव जीते के बाद सबसे पहला कार्यक्रम वही कराते हैं, लीज लेते हैं, सारी सुविधाएँ लेते हैं और जब 4.5-6 महीने रह जाएगा तब फिर यही काम करें।